हेलो दोस्तों, वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरी किचन में बन रही है पलहारी खीर, जो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए मैंने 4 बड़े चम्मच पोस्ता दाना, जिसे पॉपी सीड भी कहते हैं, एक दिन पहले भिगा दिया था। उसके बाद छन्नी से सारा पानी इसका छान लिया। अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और 1/2 लीटर मैंने दूध लिया है, इसी में से थोड़ा सा दूध डालकर इसे पीस लेंगे। हमारा पोस्ता दाना पिस चुका है। अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, गैस को ऑन करेंगे और 1 बड़ा चम्मच मैंने देशी घी लिया है, इसे डाल देंगे। गैस को कर देंगे लो। अब इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम, 4 बड़े चम्मच टुकड़ा काजू, थोड़ी सी किशमिश और 4 बड़े चम्मच गरी का लच्छा। इन सबको डालकर हम हल्का हल्का भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पिसे हुए पोस्ते दाने को और इसे 2 मिनट तक चलाएंगे। अब जाएगा इसमें बाकी का बचा हुआ दूध, इसे अच्छे से मिलाएंगे। और ये 1 कप मैंने मखाने का पाउडर बना लिया है मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर, इसे भी हम डाल देंगे और इसे चलाते हुए थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये बहुत जल्दी ही गाढ़ी हो जाती है। फ्लेम को कर देंगे हाई। ये देखिए 10 मिनट में ही हमारी खीर गाढ़ी हो चुकी है। ये कमाल पिसे हुए मखानों का है। अब इसे मैं थोड़ा सा एक बोल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं चीनी वाली बनाऊँगी और बाकी में मैं 1/2 कप देशी खांड डाल रही हूँ और गैस को कर दूंगी ऑफ और डाल दूंगी पिसी हुई इलायची का पाउडर। ये जो मैंने खीर निकाली थी, इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच चीनी। ये धीरे धीरे गर्म खीर में अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। लोग हेल्थ कॉन्शियस आजकल ज्यादा हैं, इसलिए चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं। मैं खुद भी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, इसलिए मैं देशी खान डालती हूँ। अब आइए करती हैं इसकी प्लेटिंग। ये मैंने चीनी वाली खीर डाली है, अब मैं डालूंगी गुड़ वाली। अब ऊपर से भी मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालकर इसे गार्निश कर दूंगी। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद के ले सकते हैं और मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। लीजिए, फलारी खीर बनकर तैयार है। सबसे पहले देवी माँ को भोग लगाएं और खुद भी परिवार के साथ खाएं। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जब तक आप इसका आनंद लेंगे, तब तक मैं दूसरी रेसिपी के साथ हाजिर होती हूँ। बाय बाय।